उस सिंगिंग स्टार की जिनका अपने पिता के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है। पजामे का नाड़ा बांधने से लेकर गाना गाने तक सब कुछ इन्हें इनके पापा ने ही सिखाया है। और जहां कहीं भी रंजीत का परफॉर्मेंस होता है, रंजीत के पापा उनके साथ होते हैं। रंजीत प्लीज आ जाइए मंच पर। वैसे आज तुम ये बताओ कि आज कौन सा गाना यहाँ पे सुनाने वाले हो और क्यों? मैं जैसे कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, ये मैं गाना सुनाना चाहूँगा। वो दो शख्सियत हैं कि जिन्हें मैं भगवान से भी ऊपर मानता हूँ, मेरे माता पिता। उनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ और मैं जैसे माता पिता तो हैं, जैसे पिता जी का मेरा मुझसे लगाव बहुत ज़्यादा रहे। जैसे बचपन में कॉम्पिटिशन में लेके जाना तो वो जो हारमोनियम होता है तो वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो पापा लेकर जाते थे तो मैं पीछे पीछे चलता रहा। फिर जब मैं 11.5-12 साल का था तो पापा ने एक निर्णय लिया कि मेरे फ्यूचर के लिए कि मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, जो कि पापा के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि जयपुर में बसा बसाया घर, उनके माता पिता, चाचा चाची, पूरी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ से दोस्तों को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चे के लिए आना, तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत, मतलब जब पापा यहाँ पर आए तो मैं कहना चाहूँगा कि पापा ने होटल में, पापा मेरे जॉब करते हैं, तो मेरे पापा की जब उम्र 38-39 के थे जब मुंबई आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आना और पापा के यहाँ से गांठ बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो, मुझे बेहद, मतलब यूँ होता था कि मेरी वजह से पापा ने यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवाया, तो मुझे कुछ करना है उनके लिए ज़िंदगी में, और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी हो सके मैं उनको इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितनी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ। आपके पापा हमेशा यहाँ आते हैं और आज मम्मी पापा और साथ में कौन?
बहन अच्छा पूरी फैमिली तो है पूरी फैमिली है तो प्लीज आप लोग आइए मंच पे प्लीज सारी खुशियां जोरदार ताली आइए और अब मैं कहूंगा मेंटोर से कि आप बताएं आपकी दुआ से और आप माँ बाप आप पूरे परिवार बस हम भी साथ में आपके साथ दुआ करेंगे कि रंजीत आज का गजल सिंगर अगर हो तो आज रंजीत रजवाड़ा है और कोई नहीं है तो बस आप बहुत बहुत बदनाम करें रंजीत दिल से दुआ करते हैं आप सबसे गुजारिश है जितने आपके पेरेंट्स हैं कि इनका दिमाग बिल्कुल ऊपर मत चढ़ने दीजिएगा जिस लगन से आप लोग लगे हुए हैं उसी तरह इनको ट्रीट करते रहिए कि मेहनत करो इसके अलावा उससे बड़ा और तो कुछ है नहीं है बेटा आपका बहुत अच्छा गाता है रब रखा थैंक यू तो मैं सबसे पहले अंकल आंटी से पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको आंटी जी अच्छा लग रहा है मैं पापा जी आप कुछ कहना चाहेंगे मैं बहुत कंपटीशन में मैं खुद जाता था खुद गाता था लेकिन कभी मेरा फर्स्ट या ऐसे नाम नहीं आया तो मैं मायूस होता था बहुत लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मेरे को ऐसी चीज बख्श दी है जहां जाता हूं वहां फर्स्ट आ जाता है सबसे पहली बात ये बताओ तनु भी गाती हैं यानी सानिया बिल्कुल कमाल है यार तो एक दो लाइन तो बननी चाहिए तनु दो लाइन सुनाओगी प्लीज दो लाइन कम ऑन तुमको भी है खबर मुझको भी हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जा के भी मुझसे पापा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप बहुत दिन से रंजीत कुछ जिद कर रहे थे तो क्या सोचा है आपने मैं सोचता हूँ कि आज उसकी मैं जिद पूरी करने वाला हूँ सर तो आप अगर इजाजत दें तो आपका वो तोहफा मैं ले आऊं बहुत मैं खुद लेके आया हूँ तो आप जरूर प्लीज जी जी मैं लेके आता हूँ एक सेकंड के लिए